लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रही हूं मैं तुम्हें, और ये फोन क्यों स्विच ऑफ करके रखते हो? हाँ, एक बोतल शराब के लिए रिकॉर्डिंग कैंसिल करके इन्हें एंटरटेन कर रहे हो? हाँ, मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो गई थी, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की? डिड यू नॉट गेट द जॉब? आई डिडंट टेक दैट जॉब, ओके? आई डिडंट टेक दैट स्टूपिड जॉब। मतलब क्या मतलब? हाँ, वो साला तो कोड़ी का घटिया मैनेजर कल के आई लॉन्डे को मुझसे ज्यादा पैसा दे रहा था। मुझसे? डजंट ही नो दैट आई एम द ग्रेटेस्ट कंपोजर सिंगर एवर? हाँ, लोग तरसते मेरा, तरसते मेरी आवाज सुनने के लिए। तरसते थे अमन, बट टुडे यू आर जस्ट एन अल्कोहलिक, अ ब्लडी अल्कोहलिक। कुछ नहीं तोड़ा, एस्पिरिन ढूंढ रहा हूं। हटो, लो पानी लेकर आती हूं। नहीं चाहिए पानी। मीरा, what would I do without you?
पेनकिलर भी नहीं ढूंढ सकता मैं. But you know what? You are my painkiller, Meera. You are my painkiller. तुमसे कुछ बात करनी है. ये मेल पढ़ो. क्या ये? What is this? सिद्धार्थ जयवर्धन की ऑटोबायोग्राफी, अ शिटी गोस्ट राइटिंग जॉब, और वो भी पूरे 1.5 महीने के लिए. मतलब ये तरीका ढूंढा क्या भागने का? Did you not read the money they're offering? It's 20 lakhs. I know it's 20 lakhs. So what? आखिरी बार हमने इतना पैसा कब देखा था? It can take care of us for the next 2 years. हाँ, पर उसके लिए तुम्हें उत्तराखंड जाना पड़ेगा, और वो भी आज. तुम भूल रही हो क्या कि 2 दिन बाद क्या है? मैं भूल रही हूँ? एक माँ अपने मरे हुए बेटे को कभी नहीं भूलती. सिर्फ मुझे पता है कि ये 4 साल उसके बिना मैंने कैसे गुजारे हैं. रात रात भर सो नहीं पाती, लेकिन सुबह उठकर हम दोनों में से एक को तो काम पर जाना ही होगा. अब तुम तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. कॉम्प्रोमाइज मुझे ही करना पड़ता है. हर दिन हर रोज घटिया किताबें एडिट करनी पड़ती है जस्ट टू रन दिस हाउस. सो यू डोंट टेल मी कि मैं अपने बेटे की डेथ एनिवर्सरी भूल गई हूँ. तकलीफ मुझे भी. Really? क्योंकि नजर तो नहीं आ रहा. अगर तुम्हें तकलीफ होती ना, तो उसके डेथ के 15 दिन बाद उसका सारा सामान ऑर्फरेज नहीं भेज देती तुम. कितनी बार बताओ तुम्हें, मैंने उसकी चीजें इसलिए दी ताकि हम इस घर में सांस ले सके. ये घर उसकी यादों का कब्रिस्तान बन गया था. उसकी चीजों के साथ जीना मुमकिन नहीं था. मेरे लिए मुमकिन कैसे? मेरे लिए मुमकिन कैसे? मैंने तो आज तक उसकी फोटो सीने से लगा के रखी है. शायद तुम्हारे लिए मर चुका होगा वो, मेरे लिए नहीं मरा है. मैं जिंदा लोगों की बात कर रही हूँ. You know what? I can't do this anymore. मुझ में और हिम्मत नहीं. मैं ये उधार वाली जिंदगी से थक गई हूँ. थक गई हूँ बिल्स और EMI भरते भरते. अच्छा, तो बात सिर्फ पैसों की है? हाँ, बात सिर्फ पैसों की है, क्योंकि दुनिया को आपके दर्द से कोई लेना देना नहीं है. And in case you're forgetting, पिछले 4 साल से टेबल पर खाना मैं ही ला रही हूँ. थैंक यू. थैंक यू सो मच. और कुछ सुनाना है तुम्हें तो सुना लो, निकाल लो अपनी भड़ास, बहुत ठंडक पहुंचेगी तुम्हें. कम ऑन अमन. डोंट टच मी, डोंट टच मी. तुम्हें पैसे चाहिए ना? मैं लेके आता हूँ पैसे, पर तुम कहीं नहीं जाओगी. तुम यहीं रहोगी. अरे कहाँ से लाओगे पैसे? अरे चोरी करूंगा, डाका डालूंगा, चिटाने के भीख मांगूंगा, पर पैसे मैं लेके आऊंगा. This is bad news. अमन has slipped into coma. और उसे वापस होश में आने में 6 दिन भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, या फिर साल. इस वक्त कुछ भी कहना मुश्किल है. और Mrs. Khanna, there are multiple internal injuries, severe concussion. I really don't know. हम उसे बचा भी पाएंगे या नहीं? I'm so sorry. अमन, अमन, तुम ये डॉक्टर्स की मत सुनो. ये तो कुछ भी बोलते हैं, उनका तो काम ही है डराना. ये लोग ये नहीं समझते कि तुम्हारी खबर लेने के लिए मुझे उनकी जरूरत नहीं है. मेरा दिल मानता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा. अमन, तुम सुन रहे हो ना? Are you listening to me? तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी. जब तक तुम्हें होश ना आए, मैं यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी. Are you listening? मैं यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी.
मेरा अमन, 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 मेरा मेरा मैं ठीक हूं, मेरा तुम रो क्यों रहे हो? मैं ठीक हूं, I'm just fine, look at me. I got really scared, Aman. I thought I lost you. I can't live without you. I was so alone. I thought I lost you. The money is not of concern. मैं उसे 3 गुना ज्यादा पैसे देने को तैयार हूं, पर अगर मेरी ऑटोबायोग्राफी कोई लिखेगा तो वो मीरा खन्ना ही लिखेगी. I want her at any bloody cost. वो समय फिर से आ गया है. तेरी जरूरत है मुझे, तेरी जरूरत है. आहट यहां गूंजने लगी है, उसे हर हाल में यहां लाना होगा. अर्चना, तू तो छुट्टी पर गई थी, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? बेड नंबर 51 के लिए दारू चाहिए. दारू यहाँ हॉस्पिटल में? चल बे, ज्यादा शाना मत बन. बोल, बिजनेस चाहिए कि नहीं? अरे भाई चाहिए ना, अब इसमें नाराजगी वाली क्या बात है? तू पैसे यहाँ रख दे, मैं दारू छोड़ के आता हूँ. काम का नाराज हो जाती है. वृंदा सॉरी, मैं तुम्हारा कॉल नहीं ले पाई. एक्चुअली अमन का एक्सीडेंट हो गया है. आई वाज रनिंग अराउंड इन द हॉस्पिटल. आई एम सॉरी वृंदा, पर मैं ये ऑफर नहीं ले सकती. अमन को इस वक्त अकेले छोड़ना मेरे लिए मुश्किल है. ही नीड्स मी हियर. आई अंडरस्टैंड मीरा, बट इट्स माय जॉब टू इन्फॉर्म यू कि सिद्धार्थ जयवर्धन इस जॉब के लिए और पैसे देने के लिए भी तैयार है. आई एम सॉरी वृंदा, आई जस्ट कांट. आई होप यू अंडरस्टैंड. Hi. Come here. देखो क्या धुन बनाई मैंने. Come. You gotta hear it. Mira, you'll love it. I think this coma suits me. It's nice, no? Huh? Fuck, I cracked it. क्या हुआ? वार्ड बॉय को पैसे देकर दवाई की बोतल में शराब छुपाकर पियोगे, ऐसी नौबत आई है? मैं ये पैसे उधार लेकर आई थी तुम्हारे डिस्चार्ज के लिए. अब तुम इसे लेकर शराब पियो या हॉस्पिटल के बिल्स भरो, तुम्हारी मर्जी. मैं उत्तराखंड जा रही हूं. आई एम टेकिंग अप दैट गोस्ट राइटिंग जॉब. मैं तुम्हारे साथ यहां रहकर डूबना नहीं चाहती. ओ, एक
एक दूजे के लिए बने हम रूहानी है प्यार। हाँ एक दूजे के लिए बने हम रूहानी है प्यार। दिल के करीब हो तुम मेरा नसीब हो तुम। दिल के करीब हो तुम हाँ मेरा नसीब हो तुम। इन हाथों की हर रेखा में तुम रहते हो यार। दिल के करीब हो तुम मेरा नसीब हो तुम। दिल के करीब हो तुम हाँ मेरा नसीब हो तुम। हे बेबी देखो कहाँ खड़ा हूँ, हॉस्पिटल के बाहर। तो इसका मतलब हॉस्पिटल के पैसे तो भर दिए होंगे मैंने, और तुम्हारे दिए हुए पैसे से जगह इस्तेमाल किया इस बार। मेरा आई नो आई एम एन इडियट, बट दिस इडियट तुमसे बहुत प्यार करता है यार। जब तुम नाराज होती हो ना तो ऐसा लगता है किसी ने अपनी स्थान से छीन लिया मुझसे। मेरी पास है अपने रास्ते से हटाने आया था। भाद्रपद का महीना शुरू हो गया है, चांद पूर्णिमा की तरफ बढ़ने लगा है। उसका अगला शिकार वो लड़की आ रही है। बचा लो उसे रूही, बचा लो। सिद्धार्थ जयवर्धन के महल तक जाने से पहले उसे रोक लो, रोक लो उसे रूही। कुछ भी करके रोको, जाओ। Welcome to Binsar, madam. मेरा नाम मैथ्यू है। मैं सिद्धार्थ सर के लिए काम करता हूं। आपको उनके पैलेस ले जाने आया हूं। मैं आए टेक योर बैग्स प्लीज। नहीं मैं ले लूंगी। दिस वे। प्लीज
Matthew, can I ask you something? Yes, ma'am. यहाँ कोई है क्यों नहीं? Actually, ma'am, winters में यहाँ इतनी ठंड होती है कि लोग यहाँ से migrate कर जाते हैं. But you don't have to worry about it. सिद्धार्थ सर के पैलेस में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी. आइए, वेलकम, प्लीज कम. आप कावा लेंगी और शुड आई गेट यू सम कॉफी? कुछ नहीं, आई एम फाइन. सर विल बी विथ यू इन जस्ट अ मोमेंट. Beautiful, isn't it? जो बड़ा है वो मेरा भाई था. था? He's dead. Oh, I'm really sorry. कितनी कोशिश करते हैं ना हम जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को कैद करने की, कभी पेंटिंग्स में, कभी फोटोज में. But nothing really works. आप इतना अच्छा सोचते हैं तो चाय लिखने के लिए तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आती कहां से? मेरे प्यार से अमन, he's my husband. हमेशा कहते रहते हैं कि मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं जैसी भी हूं परफेक्ट. तो फिर
गॉड, दिस इज ब्यूटिफुल. आई हैव नेवर सीन अ नर्सरी लाइक दिस. आप फूलों से बहुत प्यार करते हैं क्या? सिर्फ फूलों से ही नहीं, जिंदगी से भी. आई लव लाइफ. धड़कता हुआ ये दिल, चल रही सांसें, सारे जज्बातों को महसूस करने वाला ये जिस्म. आई लव इट ऑल. टेल मी समथिंग मीरा, डू यू थिंक कि मरने के बाद हम यहां से कहीं जाते हैं? स्वर्ग, नर्क, मतलब कोई जगह जहां ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा जिंदा रहती है. मैं इस वक्त ये जिंदगी जीने की लड़ाई में लगी हूं. I really don't care इसके बाद क्या होगा. You don't really care? Really? डर नहीं लगता तुम्हें? ये सारे एहसास, ये फीलिंग्स, ये सोच, ये जिस्म, ये इंसान, सब एक मिनट में खत्म. डर नहीं लगता तुम्हें? कोई पुनर्जन्म नहीं, इन यादों को कहीं जाने की जगह नहीं. नो हेवन, नो हेल, कुछ साल बस. हमारा सारा वजूद, सारी मेहनत, बचपन से ये पढ़ाई करना, पैसे कमाना, प्यार ढूंढना, शादी करना, दिन रात संघर्ष करना, इसका कोई मतलब नहीं. मुझसे बहस करके क्या फायदा? मैं तो यही कह रही थी कि जो जिंदा है वो एक ना एक दिन मरेंगे. वो हमारे बस में नहीं है. है हमारे बस में, बिल्कुल है. अपनी मुट्ठी में रखता हूं मैं अपनी मौत को, अपनी मुट्ठी में. Do you understand? आइए मैडम, आउट हाउस इस तरफ है. मैथ्यू, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी. वृंदा ने मेरा रूम होटल माउंटेन रूफ में बुक किया है, मुझे वहीं रहना है. मैडम, आप समझ नहीं रही हैं. सर के ऑर्डर्स हैं कि आप आउट हाउस में रहेंगी. सर के ऑर्डर्स आप फॉलो कीजिए, मैं वहीं रहूंगी. सर विल बी वेरी अपसेट. और अगर मैं यहीं रही, आई विल बी वेरी अपसेट. मीरा, हाय. हाय अमन. आई एम सो ग्लैड यू कॉल्ड. आई थॉट यू वुडंट. कम ऑन अमन, अब ऐसा तो है नहीं कि हम पहली बार झगड़ा कर रहे हैं. तुम्हारी नौटंकी की आदत है मुझे. एंड दैट वीडियो, नाइस मूव. आई मेंट एवरी वर्ड. उसने कहा ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, उसकी नहीं. करेक्ट? यस सर. होटल माउंटेन लुक. एक्चुअली इस एरिया में इट्स द ओनली होटल एंड आई एम द ओनली गेस्ट. दरअसल इस सीजन में यहाँ कोई नहीं होता है, ना लोकल्स ना टूरिस्ट्स. इट्स अ लिटिल ईरी. शुड आई बी वरी? मेरी सांसें उखड़ रही है. रास्ता बता, रास्ता बता, उस लड़की तक पहुंचने का रास्ता बता. डरने की कोई जरूरत नहीं है. माय होस्ट सिद्धार्थ जयवर्धन, ही इज अ बिग मैन हियर. काफी दबदबा है उसका. बाय द वे, ही इज अ रियली चार्मिंग मैन. और अमन, यू शुड सी हिज हाउस. आई मीन, उस घर को घर नहीं कह सकते, इट्स अ पैलेस. अकेला रहता है उस पैलेस में. आई कांट बिलीव कुछ लोग इतनी लग्जूरियस लाइफ लीड करते हैं. एक मिनट अमन, कोई बच्चा रो रहा है. बच्चा? कौन सा बच्चा? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट?
आई डोंट नो, पर ये रोने की आवाज बिल्कुल राहुल जैसी है। राहुल, क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? हेलो हेलो मीना, हेलो हेलो हेलो, हेलो, कोई है? मामा, हेलो, हेलो, फाइव सिक्स फाइव। हाँ लास्ट नंबर फाइव, हजार बार कह चुका हूँ। नंबर कट चुका है सर। कट चुका है? यस सर। अरे चार साल से मेरी बीवी का नंबर है, चार साल से इस नंबर पे बात कर रहा हूँ और आप कह रहे हैं कट चुका है। सर चार साल से आप बात कर रहे होंगे लेकिन तीन दिन पहले ये नंबर कट चुका है, बिलीव मी सर। तीन दिन से? अरे आधे घंटे पहले हमारी बात। हेलो, तुम्हारे पास आंखें तो है पर तुम देख नहीं सकते। इतनी देर से तुम्हारे घर में घूम रहा हूं, तुम्हें आवाज दे रहा हूं पर तुम हो कि मुझे देख ही नहीं पा रहे। कौन है तू? हाँ मैं कौन हूं इस वक्त तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी नहीं है। इस वक्त तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं कि तुम्हारी बीवी की जान खतरे में है, इसीलिए अभी के अभी उत्तराखंड जाओ और उसे बचा लो। अभी के अभी। तुम्हारी बीवी की जान खतरे में है, इसीलिए अभी के अभी उत्तराखंड जाओ और उसे बचा लो। अभी के अभी। लव, पता नहीं लव है भी या नहीं। मेरा मतलब है कि लोग अक्सर प्यार की बातें तो करते रहते हैं लेकिन मेरे हिसाब से लव इज जस्ट एन एक्सक्यूज दैट लस्ट यूजेस। मतलब
आपके हिसाब से देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लव एंड लस्ट? ना, देयर इज नो डिफरेंस, एक ही तो है. यू टेल मी मीरा, कैन यू लव समवन यू डोंट वांट? Excuse me for my language, पर इसके बारे में सोचना. Good morning, sir. Good morning, madam. आपके लिए कावा और मैडम के लिए चाय. Thank you, Matthew. Most welcome. Matthew. Sir. बाजार जाके मैडम के लिए एक नया सेलफोन और सिम कार्ड ले आना. Sure, sir. आपको कैसे पता चला कि मेरा फोन काम नहीं कर रहा है? I have powers. मजाक कर रहा हूँ मैं मीरा. वो क्या है ना, ये जो मोबाइल फोन है ये आजकल हर इंसान की बॉडी का हिस्सा बन चुका है. तो अगर ये हाथ में या आसपास ना दिखे तो इट्स ऑब्वियस कि या तो ये खो चुका है या टूट चुका है. हाँ, पता नहीं मेरा फोन कैसे टूट गया. हैपेंस. मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारी पीठ पर चोट लगी है और तुम्हें दर्द हो रहा है. How did you know that? I told you, Meera. I have powers. मेरे पास एक मैजिक बाम है जो यहाँ पहाड़ों में बनता है. It's really very effective. ये तुम्हारे दर्द को खत्म कर देगा. मैं लगा देता हूँ. No, Siddharth. I'm okay. Meera, दर्द से के तुम्हें कोई मेडल नहीं मिलने वाला है. Don't resist. मैं लगा देता हूँ. नहीं, मैं लगा लूँगी. It's fine. मीरा, मेरे होते हुए तुमने अगर ये भी काम कर दिया तो मेरे यहाँ होने का फायदा ही क्या है? डोंट हेजिटेट, लेट मी डू इट एंड आई प्रॉमिस आई विल बी जेंटल. राहों में कस के मुझे बाहों में लेकर चलो, खोई मैं रहूं तेरे साए में. दिल के तहखानों में या आसमानों में लेकर चलो, खोई मैं रहूं तेरी बाहों में. नसों में भी नशा है तेरा, मेरा बहकना ना रोको मुझे, तुम अपने लबों से भिगा डालो. हम तुमको फिर से मिले ना मिले ऐसे तेरी पनाहों में बाहों में निकले है दम मेरा. लगे यूं छू कर मुझको जला डालो. हम तुमको फिर से मिले ना मिले ऐसे. तू खुद को बरसने दे, मुझसे लिपटने दे. मेरे गिले से मन को तू थोड़ा मचलने दे, थोड़ा तड़पने दे. मेरी रगों में भी नसों में भी
आंखों से भिगा डालो, हम तुमको फिर से मिले ना मिले ऐसे तेरी पनाहों में बाहों में निकले हैं दम मेरा तेरा सताना यूं अच्छा लगे यूं छू कर मुझको चला डालो, हम तुमको फिर से मिले ना मिले ऐसे रातें क्यों रेत सी सर की आधम ले इनको आबांध ले इनको एक एक पल तेरे तसव्वुर में पूरा जिए अब तो पूरा मिटे अब तो मेरी रगों में भी नसों में भी अपने लबों से भिगा डालो, हम तुमको फिर से मिले ना मिले ऐसे तेरी पनाहों में बाहों में निकले है दम मेरा तेरा सताना यूं अच्छा लगे यूं छू कर मुझको जला डालो, हम तुमको फिर से जमन खन्ना मेरा हस्बैंड हेलो यार भाई जरा बैग देखना प्लीज हेलो क्या हेलो हाँ वृंदा हाँ वृंदा सुनो मुझे हेलो अरे मुझे सिद्धार्थ जयवर्धन का नंबर चाहिए हेलो उसका नंबर क्यों चाहिए तुम्हें क्या मतलब क्यों चाहिए देखो अमन अरे अब हस्बैंड यार तू मर गया तो उसे कौन बचाएगा कौन बचाएगा उसे ठीक से यहाँ पर ठीक से साफ करो मैथ्यू यस मैम मैथ्यू आई नीड अ फेवर यस मैम जब से मैं यहाँ आई हूँ आई हैव नो पीस ऑफ माइंड यहाँ कोई चर्च या टेंपल होगा जहाँ मैं जा सकती हूँ आई एम सॉरी मैम इस पूरे गांव में ऐसी कोई जगह नहीं है लेकिन उस पहाड़ के ऊपर एक काफी पुराना खंडर सा कुंड है अगर आप चाहे तो मैं आपको वहां ले जा सकता हूँ yes, please. मैं सर से परमिशन लेकर आता हूँ देखिए अगर मुझे सांस लेने के लिए भी आपके सर से पूछना पड़े तो मैं खुद चली जाऊंगी चलिए मैं आपको ले जाता हूँ
तू ही खुशी मेरी, तू ही मेरा गम, तुझ में ही रहते हैं मेरे सर मौसम। तू ही खुशी मेरी, तू ही मेरा गम, तुझ में ही रहते हैं मेरे सर मौसम। दूर हो के पास हो मेरा एहसास हो, तुमसा नहीं है कोई इतना ज्यादा खास हो, तुमसे जुड़ा हुआ है मेरी धड़कन का हर तार, दिल के करीब हो तुम मेरा नसीब हो तुम, दिल के करीब हो तुम। मैम आप जाकर आइए, मैं आपका यही इंतजार करता हूँ। थैंक्स माथ्यू। रखा है उसने तुझे, बांध के रखा है। कौन है आप? तेरे ख्याल तेरे काबू में नहीं है, लेकिन ये तेरा कसूर नहीं है। उसने किया ये सब, सिद्धार्थ जयवर्धन ने किया है। देखिए, ना मैं आपको जानती हूँ, ना आपकी बात समझ रही हूँ। प्लीज लीव मी अलोन। सब जानती है तू, सब समझती है। वो मार डालेगा तुझे, निकल जा यहाँ से, जस्ट लीव। अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने के बहाने से उसने तुझे यहाँ बुलाया है, राइट और रॉन्ग? अपने आउट हाउस में जबरदस्ती उसने तुम्हें अपने साथ रखा है, राइट और रॉन्ग? दिन रात तुम्हें उसके साथ सोने के ख्याल आते हैं, राइट और रॉन्ग? तुम्हारे सपनों में आता है वो सपने जो हकीकत जैसे लगते हैं, राइट और रॉन्ग? अपनी जान बचाओ और निकलो यहां से, चली जाओ यहां से। मीरा, कहाँ जा रही हो? I don't know what you're doing or how you're doing it, but you my head. What? यहाँ कुछ चल रहा जो जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इस सब के पीछे तुम हो। मैं तुम्हारी ऑटोबायोग्राफी नहीं लिख सकती। Just find someone else. As you wish. Please, please don't worry. Matthew, madam ko station tak drop kar dena please. What are you doing? Kya kar rahe ho tum? Meera, main kya kar raha hu? Main to yahan tumse dur khada hu. Please go. जाओ मीरा, उठो। मुझे अमन के पास जाने दो, प्लीज मुझे अमन के पास जाने दो। अरे मीरा, मैं तुम्हें कहाँ रोक रहा हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूं अमन तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, प्लीज गो। मैथ्यू, प्लीज। नाउ दे मस्ट बी, प्लीज स्टॉप दिस। प्लीज स्टॉप। मीरा, ये दर्द मैं तुम्हें थोड़ी ना दे रहा हूं, ये तुम अपने आप को दे रही हो। प्लीज स्टॉप दिस पेन। यू स्टॉप इट। तुम्हें पता है इस दर्द की दवा क्या है,
अपने दिमाग की सुनोगी तो मर जाओगी, अपने जिस्म की सुनो। Please. ओ भाई साहब जागो भाई, ट्रेन है या आपका घर नहीं है ये? कहीं सर आ गया है, उठो। राहुल, राहुल राहुल, कहूं तुम? नो बेटा, दिखाई नहीं दे रहे हो, कहूं तुम? राहुल, तुम्हें बैठने की जरूरत है, कम यहाँ बैठो। Are you okay? ये कहाँ पहुँच गया मैं? तुम्हारा बस चलता तो तुम सीधा ऊपर पहुँच जाते। खैर मनाओ कि मैं वहाँ पहुँच गई और तुम्हें यहाँ पहुँचा दिया। पहुँच के what is this, some sort of riddle I'm supposed to solve? What are you talking about? मैं क्या बोल रही हूँ? शराब पीकर गलत स्टेशन पर उतर गए थे तुम, और फिर चलती भी ट्रेन के सामने आके खड़े हो गए थे अपनी जान देने के लिए। गलत स्टेशन पर उतरा नहीं, उतरा गया। थैंक यू सो मच फॉर सेविंग माई लाइफ। हो सके तो मेरी और एक मदद कर दो। There's a hotel nearby, Hotel Mountain Nook. मुझे वहां पहुंचना है। Can you help me? अब तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। मीरा तुम्हें उस होटल में नहीं मिलेगी। What the hell? You again? Yes, it's me again. लेकिन करीब आकर मुझे छू कर देखो, यह कोई सपना नहीं है, हकीकत है। ओके, अब हकीकत की बात कर ही रहे हो तो प्लीज थोड़ा सच मुझे भी बता दो। तुमने ही कहा था मीरा को मेरी जरूरत है और मुझे यहां आना चाहिए, और जबकि मैं आ गया तुम कह रहे हो मीरा यहां है ही नहीं। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? वो यही है, इसी गांव में है लेकिन। हाँ, गांव में है लेकिन होटल में नहीं, बर्फीली सड़कों में घूम रही है कहीं मेरी बीवी। इज दैट व्हाट यू ट्राइंग टू टेल मी? लिसन, तमीज से बात करो। इट्स ओके रूही, इट्स ऑल राइट। मीरा यहां सिद्धार्थ जयवर्धन की जिंदगी की कहानी लिखने आई थी ना, लेकिन वो अब खुद उस कहानी का एक पन्ना बन चुकी है। हाउ डेयर यू।
How dare you? छोड़ो उन्हें। वो मीरा है, वो मेरी मीरा है। मीरा कभी ऐसे नहीं कर सकती है, कभी नहीं कर सकती है। Just leave him. अगर आइंदा ने हाथ लगाया ना तो हाथ काट कर फेंक दूंगी। Oh. देखा पापा कैसे घटिया इंसान के मुंह लग रहे थे आप, ब्लडी अल्कोहलिक। काम डाउन रूही, काम डाउन। मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा तू। किसी भी इंसान के लिए अपनी बीवी की ऐसी सच्चाई सुनना कोई आसान बात नहीं है रूही। ओ सच्चाई माय, पता नहीं तुम दोनों मेरे साथ कौन सा गेम खेल रहे हो। Are you trying to hypnotize me? Are you trying to exploit me? Are you trying to extort me? मैं पहले से बता दूं, मेरे पास कुछ भी नहीं। Sure, मैं शराबी हूं, okay? But बेवकूफ नहीं हूं। Thank you so much for saving my life, okay? I really appreciate it. पर अब तुम दोनों का गेम खत्म। Come what may, मैं मीरा को घर वापस लेके ही जाऊं। अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, तुम फिर से वही गलती कर रहे हो। अमन अरे जा, किसी और को डरा। जाने दो इसे बाबा, या तो ये मरेगा या थक हार के वापस यहीं आएगा। नहीं रुई, ये नहीं जानता ये किस मुसीबत में है, रोको उसे। बाबा ये उन लोगों में से है जो सारी जिंदगी बेहोशी की हालत में अपनी मुसीबतों से छुपते छुपाते हैं। बार बार बोल के थक चुका हूँ तुझे, मेरी बीवी मीरा खन्ना अंदर है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, गेट खोलो। सर अंदर एंट्री अलाउड नहीं है, मैं गेट नहीं खोल सकता। अरे जीव आदमी हो यार, एक ही बात बार बार बोले जा रहे हो, मेरी बीवी अंदर है, हक बनता है मेरा, गेट खोल। सर अंदर एंट्री अलाउड नहीं है, मैं गेट नहीं खोल सकता। तेरी दिमाग की हालत खराब है क्या? हाँ नहीं समझ रहा है, मैं तेरे साहब से मिलने आया हूँ, मेरी बीवी से मिलने आया हूँ, हक है मेरा, समझ रहे हो? गेट खोलो तुरंत। सर अंदर एंट्री अलाउड नहीं है, मैं गेट नहीं खोल सकता। कैसे समझाऊं तुझे? सर प्लीज समझाइए, ट्रक आ रहा है, आप साइड हट जाइए, हटिए। जाइए सर, आप टाइम मत खराब कीजिए, जाइए। अरे ऐसे नहीं आया हूं मुंबई से बिन सर, मेरी बीवी को होटल से निकालकर उसने अपने घर में बंद कर दिया, फिर उसका फोन काट दिया। मैं फोन करता हूँ तो कोई जवाब नहीं देता, और अभी वो सारा वॉचमैन मुझे अंदर नहीं आने दे रहा है। ये सब किडनैपिंग नहीं तो क्या है? क्या भूखा है तू? धतूरा या चरस? समझ में भी आ रहा क्या बोल रहा है? सिद्धार्थ जयवर्धन जैसा आदमी तेरी बीवी को किडनैप क्यों करेगा? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों करेगा? मुझे अपनी बीवी से मिलने नहीं दे रहा है, और आपको इसमें प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है? चलिए उठिए, उसकी का पता लगाइए। कोई प्रूफ है? अरे प्रूफ ये कि मैं आपके सामने बैठा हूं ना। देख भाई, जितने फ्री हम नजर आते हैं उतने हैं नहीं, यूं ही मुंह उठा के किसी के घर नहीं जा सकते, वो भी सिद्धार्थ जयवर्धन के घर। चल जा अब, कल आना, देखते हैं क्या करना है। तो ठीक है, जो भी बोला इस कैमरा में बोल के देखो, सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा, फिर देखते हैं कौन कितना फ्री है। कैमरा बंद कर, बंद कर। दोस्त किसको दे रहा है? दोस्त नहीं दे रहा हूं, सच बोल रहा हूं, और अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो वर्दी उतरवा दूंगा। अरे जगमोहन जी, आप तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। पूछिए ना, क्या पूछना है? सिद्धार्थ जी, इस आदमी का कहना है कि आपने इसकी अरे आप इतना काम क्यों रहे हैं? किस बात का डर है आपको? बताओ उस आदमी ने क्या किया है, बताओ। तुमने मेरी बीवी को किडनैप किया है, ऑटोबायोग्राफी लिखने के बहाने उसे यहाँ बुलाया, फिर उसे कैद कर दिया, चार दिन से मेरी बात नहीं हो पाई मीरा से। कहाँ है वो साले, बोल। सर से दूर से बात करने का। मैथ्यू सर, दिमाग चल रहा है? इंस्पेक्टर साहब समझाओ इसको, खड़ा रहे चुपचाप। मैथ्यू किडनैप, मीरा, मीरा,
मीरा क्या हुआ तुम्हें, तुम आंखें क्यों नहीं मिला रही हो? She won't look at you. मीरा, मीरा, बोलो मीरा, बोलो। अमन, मैं तुम्हारे इस शराब और इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर से थक गई हूँ। तुम ना मेरा ख्याल रख सकते हो और ना अपना घर चला सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इंस्पेक्टर, मैं सिद्धार्थ के साथ अपनी मर्जी से हूँ और बहुत जल्द ही अपने हस्बैंड अमन से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। मेरा क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? चलो उठ, उठ, चले यहाँ से। मीरा, मीरा, रुको। एक बार ये सच मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो मीरा। क्या आंखों में आंखें डाल के बोलो? मैडम ने क्या बोला सुनाई नहीं दिया क्या? खुद से बीवी संभलते नहीं और सिद्धार्थ जी जैसे नेक आदमी पे इल्जाम लगा रहा। चले यहाँ से। छोड़ो मुझे। मीरा प्लीज। मीरा से टू मी। क्या से टू मी? चिल्ला क्यों रहा है ये आदमी? इतना मारूंगा सीधा खड़ा हो नहीं पाएगा। सॉरी सर, आपको तकलीफ हुई। जगमोहन जी, इस आदमी ने इस खूबसूरत जगह में जहर खोल दिया है, इसे जल्द से जल्द यहाँ से दूर भेज दीजिए प्लीज। जी सर, चल चल यहाँ से। अरे मैं कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा। प्लीज मीरा, लुक एट मी, मीरा से टू मी, से टू मी, चल मीरा, चल यहाँ। ओके फाइन फाइन। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहूं, तो सुनो, आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। I want you to get out of my life and stay out. जमाना कहे वो है बेवफा, तभी तो कदम टगमगाने लगे। इश्क नहीं है हमसे तुम्हें, तभी तो हमें ठुकराने लगे। जाओ किसी ऐसी जगह जहां पर तुम्हें हम पाना सके। आशिक कोई हमसा यहां मिलेगा कहां पर फिर से तुम्हें। पर मैंने क्या किया? जो किया तुमने किया, और जो तुमने किया बहुत सही किया। पर तुमने जान बचाई उसकी, अगर वो यहाँ रहता तो मैं उसे जान से मार देता। आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। I want you to get out of my life and stay out. तेरी वफाओं के दम पे दिल से चले थे कहीं हम। अमन, अमन, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। प्लीज अमन, मेरे पास आ जा। प्लीज अमन, प्लीज प्लीज। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी खामोशी समझ सकते हो। प्लीज कम बैक, कम बैक, प्लीज प्लीज। कहानी तारों के संग आसमां पर, कभी हम तुम्हें कहीं भी दिखें तुम फेर कर लौट जाना कहीं। जाओ किसी ऐसी जगह जहां पर तुम्हें हम पाना सकें। आशिक कोई हमसा यहां मिलेगा कहां पर फिर से तुम्हें। फूलों की दुकान है यहाँ पे, तो फूल भी नहीं है। अरे साहब,
हमारे फूल तो दुकान खोलने से पहले बिक जाता है। एक ऐसा कस्टमर मिला है जो हर रोज सुबह 4 बजे से पहले सारा फूल ले जाता है। हर रोज? हाँ हर रोज। कौन है आदमी? आदमी नहीं, फरिश्ता है, फरिश्ता सिद्धार्थ जयवर्धन। बढ़िया। हमने तो सुना था कि पुलिस वालों ने तुम्हें मार मार कर ट्रेन में फिकवा दिया, फिर वापस कैसे आ गए तुम? मैंने कहा था ना, मीरा के बगैर वापस नहीं जाऊंगा। Here we go again. Anyway, इस इलाके में सिर्फ आप ही हैं जो टैक्सी सर्विस चलाती हैं, so टैक्सी हायर करने आया हूं। क्या करोगे तुम टैक्सी सर्विस हायर करके? मैं मीरा को स्टेशन ले जाऊंगा सिद्धार्थ जयवर्धन के घर से भगा ले जाने के बाद। ऑलराइट, चलो माना कि तुम उसके शरीर को भगा ले जाओगे, लेकिन उसकी आत्मा का क्या जो इस वक्त सिद्धार्थ जयवर्धन के कब्जे में है? क्या? फिर उसे कैसे आजाद करोगे तुम? फिर से वही बात, मतलब अगर तुम्हारे इस टैक्सी सर्विस की मोनोपोली नहीं होती ना तो मैं यहाँ आता भी नहीं। सो प्लीज जस्ट टेल मी, टैक्सी सर्विस पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? प्लीज मेरी बात सुनो अमन, इस वक्त तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, मीरा के साथ जो कुछ भी हो रहा है, इसकी जड़ें बहुत पुरानी है, सैकड़ों साल पुरानी, और जब तक तुम इसकी तह तक नहीं जाओगे मीरा को बचा नहीं पाओगे। डोंट यू गेट इट? यू प्लीज Just tell me. मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात मान। बाबा, आप क्यों बार बार इसके सामने हाथ जोड़ते रहते हैं? मुझसे देखा नहीं जाता। तुम्हें टैक्सी चाहिए ना? मिल जाएगी, जगह और वक्त बताओ। जगह सूखे फूल और पत्ते दिख रहे हैं, काम नहीं होता तुम लोगों से, ठीक से साफ करो उसे। ये सूखे हुए फूल हटाओ यहाँ से, और तुम भी ठीक से काम करो। पगार लेने आ जाते हो लेकिन काम नहीं होता ठीक से तुमसे। कभी हुए जुदा दिल से तेरी धड़कने जागता साथ तू खाली खाली रातों में मैं अगर अंधेरा हूँ
कौन है तू? मैंने वो सब नहीं कहा था, वो मैं नहीं थी। मैं जानता हूँ बड़ी सारी बातें बाद में, ओके? फॉर नाउ वी नीड टू रन, ओके? बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। सर को मुझे जवाब देना पड़ता है। मुझे फ्रेश फूल भेजो अभी के अभी, राइट नाउ। बहुत जल्दी में सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, जब हिसाब करने का वक्त आएगा तब बता दूंगी। व्हाट हिसाब? पहले बुझाने का वक्त नहीं मेरे पास, ओके? कैन यू जस्ट टेल मी कितने पैसे हुए? अगर आपको लगता है कि आप इस तरह इस जगह से जा सकते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। लुक, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग यू हैव डन, ओके? सीरियसली, पर आज के बाद ना मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूं और ना डोंगी बाबा की। जस्ट टेक दिस मनी एंड गेट आउट हियर प्लीज। वेट वन सेकंड, ओके? वन सेकंड। Come, sit. You okay? I need to tell you something. Yeah, tell me. What? Meera? Group kya hai? It's A positive. Abhi recently unka koi MRI ya CT scan hua tha kya? Nahi, kyun? Unki maternal family mein kisi ko koi psychiatric disorder hai? Any mental illness? डॉक्टर साहब, मैं मीरा को इधर लेके आई हूँ टू गेट आंसर्स फ्रॉम यू, और आप मुझसे सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं? यू टेल मी व्हाट्स रॉन्ग? ये मिसेस खन्ना की ब्लड रिपोर्ट्स हैं, हैव अ लुक एट इट। मीरा की बॉडी में दो अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं, एक उसका ए पॉजिटिव और दूसरा द रेयरेस्ट ब्लड टाइप ए बी नेगेटिव। पहले हमें लगा कुछ एरर होगा, बट एज यू कैन सी बी टेस्टेड 3 times। इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मीरा की बॉडी में दो लोगों का खून है। इट्स लाइक 2 people लिविंग इनसाइड 1 body। हे, क्या हुआ है मुझे? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है और मैं हूं ना, अब तुम्हें कुछ होने भी नहीं दूंगा। आई लव यू अमन। I love you too, Meera. मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बताओ। You can tell me anything. I slept with him. I slept with Siddharth Jayavardhan. The dragon is the best!
सकता जो वो मुझे दे सकता है। प्लीज मैडम शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कभी थे आज तू ही किसी और का है, बेवफा तुझको लेकिन कहे क्यों, ये कसूर भी पूरा मेरा है। जिन लपटों में मैं तप रहा हूँ आग मैंने वो खुद को लगाई, चल के हो जाऊंगा राख इसमें, मैं तो खुद ही हूँ मेरी तबाही। जुड़ पाना अब है मुश्किल, मैं इतना टूटा हूँ, तेरी खता ना इसमें मैं खुद से रूठा हूँ। जुड़ पाना अब है मुश्किल, मैं इतना टूटा हूँ, तेरी खता ना इसमें मैं खुद से रूठा हूँ। आज की रात आखिरी रात है, बेचारी मीरा कल सुबह का सूरज देख नहीं पाएगी। क्या हुआ बाबा? कुछ मत कहना उसे, कुछ मत कहना। वो बेचारा बहुत तकलीफ में है। इस आईने में जो दिख रहा ये शख्स मैं तो नहीं, हारी हुई आंख किसकी है पहचानूं इनको नहीं। दिल का सुकून छोड़कर मेरी जान ये हम कहां आ गए, तू है जुदा मैं खुद से खफा, हम क्या से क्या हो गए। अपनी नजरों में ही गिर गया हूँ, आज हंसती है मुझ पे खुदाई। तेरे इन आंसुओं की बारिश ने तेरे अतीत को धो दिया है, अब तू लड़ेगा, लड़ेगा तू अब। मैं इतना टूटा हूँ, तेरी खता ना इसमें मैं खुद से रूठा हूँ। जुड़ पाना अब है मुश्किल, मैं इतना टूटा हूँ, तेरी खता ना इसमें मैं खुद से। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन या तो वो खुद होता है या फिर उसका कोई अपना। कैसा खेल है ये कुदरत का, जिस इंसान रूपी शैतान की कहानी बताने मैं तुम्हें ले जा रहा हूं वो कोई और नहीं, मेरा ही खून है। कैन यू बिलीव इट, सिद्धार्थ जयवर्धन इज माई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। व्हाट? सिद्धार्थ जयवर्धन कोई मामूली इंसान नहीं है अमन, हैवान है वो, हैवान। 300 सालों से जिंदा है। 300 सालों से? सिद्धार्थ जयवर्धन का असली नाम वीरभद्र है। यहां बिनसर के देवी माता के मंदिर में सालों पहले वो पुजारी था,
वीरभद्र का एक बड़ा भाई भी था और उनका नाम था भास्कराचार्य और वही मेरे परदादा थे। देवी के मंदिर की इतनी शान थी कि इसे एक तीर्थ स्थान माना जाता था और उसी देवी की सेवा के लिए उन दोनों भाइयों ने अपनी जिंदगी सौंप दी थी। मगर फिर पूरी दुनिया पर एक भयानक कहर टूटा, ब्यूबॉनिक प्लेग। बिनसर में भी ये आग की तरह फैलने लगा। वीरभद्र और भास्कराचार्य लोगों की मदद करने में जुट गए और फिर एक दिन वीरभद्र के शरीर पर प्लेग के निशान उभरने लगे। वीरभद्र को बड़ा धक्का लगा। वो अपने आप को सामान्य लोगों से अलग मानता था, आखिर वो देवी का पुजारी था। ये क्या है माँ? ये सब क्या है माँ? मैं मरना नहीं चाहता हूँ माँ। मैं बचपन से तेरा भक्त रहा हूँ, दिन रात तेरी पूजा की है मैंने, पर उसका नतीजा तू तू ये दे रही है मुझे, बहुत दे रही है मुझे। अभी तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, राज मांग रहा हूँ, जीवन दान मांग रहा हूँ। जीवन दान दे मुझे माँ, जीवन दान दे मुझे। भैया आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? भगवान कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते। आप बस हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए कुंड से जल लेकर आता हूँ। ना, कुछ नहीं होगा उस जल से। देवी माँ को धमकियां देने से कुछ नहीं हुआ और वीरभद्र के हालात खराब होते चले गए और साथ ही साथ उसका पूजा और प्रार्थना से विश्वास भी उठने लगा। फिर एक रात उसे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज उसे पुकार रही थी। इस तरह मंत्र बोलने से कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ खोखले शब्द हैं, इनमें कोई ताकत नहीं है। मैं कली हूं और ये मेरा युग है, कली का युग, कलयुग। और मेरे होते हुए संसार उस भगवान की कोई जगह नहीं जो स्वर्ग और नरक का झूठ फैलाता है। वीरभद्र, सच तो ये है कि मरने के बाद कुछ है ही नहीं, ना ही अगला जन्म और ना ही मुक्ति, जो है यही है। इसका मतलब यह है कि आज तक मैंने जिसकी पूजा की, जिसको माना, वो भगवान के नाम पर झूठ बोले थे मुझसे, इसका मतलब मेरी सारी आस्था, मेरी सारी भक्ति सब व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। नहीं, अभी भी समय है, तो बता तू मौत चुनेगा या कभी न मिटने वाली जवानी। किसे? मैं वो कर सकता हूँ जो तेरा भगवान नहीं कर सकता, देखना चाहेगा कैसे? मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। नहीं मरेगा, पर बदले में मेरी दो शर्तें हैं। पहली, इस तीर्थ स्थान की पवित्रता को खत्म करना होगा, अपने गंदे हाथों से उस कुंड के पानी को अशुद्ध करके इस जगह से भगवान का नामो निशान मिटाना होगा। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? और दूसरी शर्त, भाद्रपद के बढ़ते चांद में 15 दिनों के लिए एक पाप से जन्मी लड़की के साथ उसके छीन कर अपनी आयु बढ़ानी होगी, क्योंकि पाप से जन्मी लड़की का खून मैला होता है, शैतान का खून होता है, और ऐसा तुझे हर 12 साल के अंतराल में करना होगा। बोल, कर पाएगा? मुझे जीवन दान चाहिए, जीवन दान चाहिए मुझे, चाहिए मुझे। लेकिन वीरभद्र ने एक गलती कर दी, अपने भाई को जान से नहीं मारा। जख्मी हाल में भास्कराचार्य ने देवी के हाथों से देवी की पवित्र तलवार को अपने बस में कर लिया। इस बार उसका शिकार तुम्हारी मीरा है, बिकॉज शी इज ऑल्सो अ चाइल्ड ऑफ सिन। इस आदमी को पिछले 300 सालों में किसी ने हराया नहीं, मैं कैसे हराऊंगा? उसी तलवार से तुम्हें उस तलवार को ले जाके कुंड के पानी में डुबाना होगा और फिर उसी तलवार से
सिद्धार्थ के दिल को आर पार कर देना होगा। पर कुंड का पानी तो अशुद्ध हो चुका है। लेकिन आज भी कुंड के पानी में हजारों प्रार्थनाएं हैं और देवी माँ की ताकत बसी है। तो आप हमें तलवार के पास ले जा रहे हैं। सिद्धार्थ, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्या मैं क्या कर रहा हूं? इतने पास होकर भी इतने दूर क्यों? जस्ट टच मी प्लीज। कुछ ही लम्हों की तो बात है मीरा, आज रात दुल्हन बनोगी मेरी। तुम जानते हो कि तुम जो भूलोगे मैं करूंगी। आज रात के बाद तुम्हारी ये जरूरत पूरी तरह से जल के राख हो जाएगी। तुम्हारा ये दर्द हमेशा के लिए मिट जाएगा। अमन, अब यही एक मौका है, तुम्हारे जीतने का या फिर हम सब के हारने का। इस शीशी में कुंड का पानी है, इस पानी में इतनी शक्ति है कि यह तुम दोनों की रक्षा करेगा। अमन, आज चंद्रग्रहण है। सिद्धार्थ जयवर्धन मीरा के साथ एक होने के लिए चंद्रग्रहण का इंतजार करेगा। इससे उसकी ताकत और बढ़ेगी। चंद्रग्रहण के खत्म होने से पहले तुम्हें सिद्धार्थ को मारकर मीरा को बचाना है, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मीरा को हमेशा के लिए खो दोगे। नाउ डोंट वेस्ट टाइम, गो। आइए। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। अब क्या हुआ? वो तलवार मुझे मिल गई है। कहाँ थी वो? हमारी नजरों के सामने। उस अंधे ने वो तलवार तुम्हारे पुराने घर के संदूक में रखवा दी थी। वो जानता था कि तुम उस तलवार को हर जगह ढूंढोगे, लेकिन वापस उस घर में नहीं जाओगे, क्योंकि उस घर में तुम्हें ये याद आता है ना कि तुम भी औरों की तरह आम इंसान थे। Clever, effing clever, very clever. तुम चाहो तो वो तलवार मैं अभी ला सकती हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी वो तलवार सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा है जिसमें आधी शक्ति है। पूरी शक्ति तो तब मिलेगी जब उस पर कुंड का पानी चढ़ेगा। तब ले आना उसे मेरे पास, खत्म कर दूंगा उसे। रेडी?
अमन, अमन प्लीज सेव मी, अमन वो पानी, वो कुंड का पानी, वो शीशी मुझे दे दो, अमन प्लीज, प्लीज प्लीज अमन, प्लीज अमन मुझे बचा लो, प्लीज अमन वो शीशी मुझे दे दो, अमन प्लीज, प्लीज अमन, अमन। बेवकूफ अंधे ने तुझे ये नहीं बताया कि इस तलवार को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां तू मुझे मारेगा तो वहां तेरी बीवी मर जाएगी, और अगर अपनी बीवी को बचाएगा तो मैं तुझे मार दूंगी। हाँ ये बात और है कि इस तलवार से तू मुझे जख्मी जरूर कर सकता है, पर देख मेरे जख्म कितने जल्दी भर जाते हैं। भाग सकता है तो भाग, चंद्रग्रहण शुरू होने ही वाला है। जख्म तो भर जाते हैं पर ये जख्म भरने में वक्त लगेगा। एक चीज तो सीख ली तुझसे कि इश्क कैसे किया जाता है। आशिक हो तो तेरे जैसा बार बार मरने आ जाता है, और इस बार तो मुझे मारने आया।
वो भी इसके साथ। वाह मार मार। एक बात मैंने तुझसे भी सीखी है, जिंदा वो होता है जो मरने से नहीं डरता, क्योंकि जो डर डर के जीता है वो मर मर के जीता है। अमन तुम्हारी आंखें क्या? They look different. ऐसा लगता है कि तुमने बहुत कुछ देखा है। I've come from a very cold place, Meera. A very cold place. कोमा में रहकर भी एक दुनिया देख ली मैंने। What? और वहां से ये समझ लेके आया हूं कि life is a package deal. मैं कुछ समझी नहीं। मेरा तुम जानती हो जिंदगी इतनी खूबसूरत क्यों है? क्योंकि वो खत्म होती है। राहुल को विदा करने का वक्त आ चुका है।
मुझको बीते कल की यादों में बहता है तू ही इन रगों में तू ही बसता सांसों में क्यों मैं डर जाऊं बता सुनी तन्हा कभी हुए जुदा दिल से तेरी धड़कने जागता साथ तू खाली खाली रातों में मैं अगर अंधेरा हूँ तो जुदा नहीं है तू।